हालेलुया। तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे जो हमने जिसमें बढ़ना है। और संगति, सबसे पहले संगति, प्रेरितों दो उसका 40 से हम पढ़ते। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिनका उद्धार हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है वो ने अगुओं से, प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना, प्रभु की बुद्धि और समझ में बढ़ना, संसार का ज्ञान पाकर भी आप मूर्ख रह जाएंगे, लेकिन प्रभु का ज्ञान पाकर संसार का ना भी मिला हो तो भी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। हालेलुया। संसार का ज्ञान आपको बुद्धिमान नहीं बनाता, परमेश्वर का ज्ञान आपको बुद्धिमान बनाता है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना, और ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे? जब हम शिक्षाओं को लेते हैं, जैसे अभी 10 दिन की टीचिंग शुरू हो रखी है, 10 दिन की वॉरफेयर प्रेयर, लोगों ने लड़ना सीखा आत्मा में, आत्मिक जगहों पे लोग एंटर किए, इतनी सारी गवाही ऑनलाइन और यहां पर, आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक शिक्षा, प्रेरितों से आत्मिक शिक्षा में बढ़ना, क्या चीजें थी? और संगति रखना, सब इकट्ठे संगति में बढ़ना। प्रेयर शुरू हुई है 3 दिन की, प्रेयर शुरू हुई है 1 हफ्ते की, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई है, मैं भी चाहूंगा प्रार्थना में, मैं भी संगति करूंगा। प्रभु ने कहा इस अंत के दिनों में, इब्रानी में लिखा है कि तू जैसे जैसे उस दिन को, उस भयानक दिन को नजदीक आते देखे, वैसे वैसे और भी संगति में बढ़ा करो। जैसे जैसे प्रभु का आगमन नजदीक है, हमें संगति में बढ़ना है। हालेलुया। तो क्या वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे? शिक्षा कैसे पाएंगे? जब वो संगति में आते थे। और रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ना भी क्या है? ये भी संगति के साथ जुड़ी हुई चीज है। जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। आप जानते हैं, आप अकेले प्रार्थना ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर आप संगति में आते हैं और आत्मा में चार्ज हो जाते हैं, फिर आप घर जाके भी प्रार्थना कर पाते हैं। लेकिन अगर आप संगति में नहीं है और आपको लग रहा है कि आप तो प्रार्थना कर लेंगे, कभी नहीं होगी। वो आग जो संगति में हमारे अंदर आती है वही चलती रहती है और हम प्रार्थना कर पाते हैं। अधिक से अधिक प्रार्थना संगति में रहेगी। हालेलुया। तो क्या शिक्षा पाना? चार चीजें यहां पर, प्रेरितों से शिक्षा पाना, समझ आ रही है? प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखने। आज लोग क्या है, YouTube और उस पर, हाँ हमने वचन देख लिया। आपने वचन तो सुन लिया, पर वचन पे चलने वाला एग्जाम्पल तो कोई नहीं है आपके पास, समझ रहे? आप सुन के, सिर्फ सुन के नहीं, लेकिन जब आप किसी को चलते हुए देखते हो प्रभु के वचन पे, तभी आप चल सकते हो। पौलुस ने कहा तू मेरा अनुकरण कर। इसलिए वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, उसके लिए वो संगति में जाने, फिर प्रभु भोज, और फिर प्रार्थना में लौलीन। ये चार चीजों में वो बढ़ते गए। हालेलुया। और यही इस चर्च की नींव है। अगर आप देखें तो हमेशा टीचिंग, प्रीचिंग, वचन,
की शिक्षा और उस पे उसको प्रैक्टिकल कैसे जीना है। रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लौलीन रहना। हालेलुया। आपको वचन से बाहर शैतान लेके जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां से मैं इसको पकड़ सकता हूं। हमें वचन में रहना है। तो क्या है संगति में बढ़ना? जब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्रेरितों 14 में एक वचन लिखा है कि लुस्त्रा में 14 उसका 8 में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव पर चल, सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। ये क्या था? वो व्यक्ति संगति में आया। आज जितनी भी गवाहियां यहां पर हैं वो कैसे बनी? जब लोग संगति में आए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था वो संगति में आया और उसने वचन को ध्यान से सुना और उसके अंदर विश्वास आया। और जैसे ही विश्वास आया, अभी हम गवाही सुन रहे थे कि जब मैं आया मैंने गवाहियां देखी, मैं संगति में, मैंने वचन सुना और विश्वास मेरे अंदर आया और उसी समय क्या हुआ? उस व्यक्ति चंगा हो गया। आमेन। उसकी गवाही बन गई। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जितनी भी टेस्टिमनी बनती हैं, ये कैसे बनती हैं? संगति में आने से। आप क्या करते हो? किसी को वचन सुनाते हो और संगति में जैसे ही उसको लेके आते हो, प्रभु की सामर्थ छूती है और व्यक्ति डिलीवर होता है। हालेलुया। और शैतान को अब जानते हैं जो चीजें परमेश्वर ने बोली हैं, शैतान किसी चीज के खिलाफ काम नहीं करेगा। सिर्फ वो परमेश्वर की कमांडमेंट के खिलाफ काम करता है। प्रभु ने कहा है तू संगति में बढ़, शैतान तुम्हें संगति से दूर करेगा। प्रभु ने क्या बोला? वो संगति में तुम और ज्यादा संगति में बढ़ो। संगति में आपकी प्रोटेक्शन है। हाँ, एक दुष्ट आत्मा आपके पीछे है, जैसे ही आप चर्च में आते हैं उसकी फायर हो जाती है। हाँ, वो चल जाता है। आमेन। आप जानते हैं शैतान ही है हर चीज के पीछे। वो आपको फोर्स करता है कि आप ना जाएं। आपको बहुत सारे लालच दिखाता है, बहुत सारी चीजें फायदे दिखाता है और उसको वो कहता है कि नहीं, संगति में क्या है, ये देख, ये तेरा कितना बेनिफिट हो रहा है इस जगह पे। वो बहुत सारे लालच लोभ हमारे सामने रखता है ताकि हम उस संगति में ना जाएं। और जैसी फिर भी हम अगर फोर्सफुली आ जाते हैं, फिर उसी दिन वो व्यक्ति वचन सुनता है, उसके अंदर कार्य करता है परमेश्वर और एकदम से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो व्यक्ति फिर से ट्रैक पे चलने लगता है। जब हम सब परमेश्वर के सन्स डॉटर यहाँ पे इकट्ठा है, प्रभु के बेटे बेटियां, प्रभु खुद मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की एक दूसरे की संगति में बढ़ते जाए। हालेलुया। 2024 हम और ज्यादा संगति में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।